हनुमान जी महाराज की जय, शिव बजरंग बली महाराज की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। मंगलवार व्रत कथा व्यास जी बोले। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे। शौनकादि ऋषि बोले, हे महामुनि, आपने अनेक पुराण की कथा सुनाई, अब कृपा करके कोई ऐसा व्रत कथा बता दें जिसके करने से पुत्र की प्राप्ति हो और मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्प आदि का भय न हो, क्योंकि कलयुग में जीवों की आयु तो बड़ी कम है, फिर उन्हें रोग आदि घेरे रहेंगे तो श्रीहरि का ध्यान कैसे हो पाएगा। श्री श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। श्री भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने मैं कहूँगा, ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय पांडवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि भगवान नंद नंदन गोविंद माधव केशव, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं, कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति हो। प्रभो, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है और बिना पुत्र नरकगामी मनुष्य होता है, तथा पितृ नृसिंह से छुटकारा भी नहीं मिलता और पुन्ना नामक नरक से उद्धार नहीं होता, अतः पुत्रदायक व्रत को ही बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनना। कुंडनपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो बहुत दुखी था। इसका एकमात्र ये कारण था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा पतिव्रता नारी थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की उपासना आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद वो स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता से हनुमान जी को भोग न लगा पाई तो ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया पिया और अपने मन में प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को ही महावीर का भोग लगाकर मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती थी परंतु स्वयं नहीं करती थी, मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती थी। इस प्रकार 6 दिन बीते, श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती थी। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी प्रसन्न हो गए और दर्शन देकर बोले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग ले। सुनंदा बोली, हे नाथ, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र या कन्या प्रदान कर दें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग रोज सोना दिया करेंगे। इस प्रकार से कहकर श्री महावीर जी अंतर्धान हो गए। ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई, सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। विचार किया कि कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी तो समाप्त हो जाएगी। श्री महावीर जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई। वो बालिका अपने पिता के घर में जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है उस प्रकार नित्य बढ़ने लगी। 10वें दिन ब्राह्मण ने इस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। कुल पुरोहित ने बालिका का नाम रखा रत्नबाला, क्योंकि ये कन्या सोना दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग बहुत सा सोना देता, इस सोने से वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया, जिससे उस नंदा ब्राह्मण को बहुत ही मदभिमान हो गया। सुनंदा ने देखा कि उसकी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। वह अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली, मेरी पुत्री रत्नबाला तो अब विवाह के योग्य हो गई, अतः अब आप कोई सुंदर योग्य वर देख कर विवाह कर दें। शास्त्रों की आज्ञा है कि 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या, इसके बाद रजस्वला की संज्ञा हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ की, कन्या के दान से इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो नरोरो नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली 10 ही वर्ष की है और देख मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी बोली, आपको तो लोभ हो गया है, अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता तो उसके मासिक धर्म का रक्त पिता और भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्र में भी
कहा है कि माता पिता बड़ा भाई तेजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य नरकगामी होता है। ब्राह्मण बोला, अच्छा कल मैं अवश्य ही लड़का देखने के लिए जाऊंगा, दूत को भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी मेरी सुंदर कन्या है वैसा ही सुंदर वर की तलाश करके लाओ। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर बम्बई शहर में एक सुंदर ब्राह्मण के बालक को देखा। बालक देखने में बहुत सुंदर था। ब्राह्मणों के सभी गुण उस बालक में मौजूद थे। इस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूत ने आकर स्वामी नंदा के लिए बालक को बतलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देखकर विधि पूर्वक विवाह कर दिया। कन्यादान में काफी धन दिया। ब्राह्मण ने विधि पूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत भाग्यशाली माना। नंदा को महालोभ था हो गया। उसने विचार किया कि अब कन्या तो चली जाएगी, मेरे लिए सोना जो इस कन्या से मिलता था नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन है इसकी शादी में खर्च हो गया, जो कुछ है कुछ समय में नष्ट हो जाएगा। इससे इस कन्या का विवाह करके बहुत गलती की मैंने। अब मुझे वही उपाय करना चाहिए जिससे कन्या मेरे घर में बनी रहे, अपनी ससुराल ना जाए। ब्राह्मण इसी विचार करते करते रात्रि भर सोया नहीं। उसने विचार किया कि जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो छिपकर मार्ग में उसका वध कर देंगी, अपनी कन्या रत्नबाला को अपने घर ले आएंगे जिससे उसके लिए नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा, समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातः काल हुआ, नंदा और सुनंदा ने जमाई तथा लड़की को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को ससुराल से अपने घर लेकर चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर मार्ग में छिपा हुआ था कि जमाई को मारकर रत्नबाला को फिर अपने घर ले जावे जिससे उसे अष्टांग सोना मिलता रहे, वह कभी निर्धन ना हो। नंदा ने अवसर पाकर सोमेश्वर का वध कर दिया और अपनी लड़की रत्नबाला के पास जाकर बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है, अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी की इच्छा नहीं चलती, उसे जो अच्छा लगता है वही करता है, और बेटी जो भाग में लिखा है वही तो मिलेगा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। अपने पिता के द्वारा अपनी पति का मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नबाला बहुत दुखी हुई, अनेक प्रकार से रुदन करने लगी। अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना ही व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ अपने शरीर को जला दूंगी, सती होकर इस जन्म को अपने माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी, अब कभी लौट कर घर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या रत्नबाला के वाक्यों को सुनकर ब्राह्मण और दुखी हो गया, विचार करने लगा, व्यर्थ ही ये कार्य मैंने कर डाला, अब इसके पीछे अपने प्राण तक देने के लिए रत्नवाला तैयार है। मेरे लिए धन अप्राप्त होगा ही नहीं, मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया, और सोचकर रोने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की स्त्री रत्नबाला सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर को गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि जलाई वैसे ही मंगलदेव प्रसन्न हो गए। बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति के भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग ले। रत्नबाला ने अपने पतिदेव का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर और महाविद्वान हो जाएगा, और जो कुछ भी तेरी इच्छा हो वर मांग। रत्नबाला बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो ये वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजन करेगा, अर्चन करेगा, आरती करेगा, आपका स्मरण नाम जप करेगा, उसके सारे रोग सारी व्याधि नष्ट होगी और स्वजन से वियोग नहीं होगा, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय नहीं रहेगा। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वो कभी विधवा नहीं होगी, अनेक पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति करेगी। मंगलदेव ने कहा, तथास्तु, ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। सोमेश्वर मंगलवार की कृपा से जीवित हो गया और रत्नवाला अपने पति को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई। मंगलवार का व्रत करके प्रत्येक मंगलवार को कर व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से श्लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में वो अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बजरंग बली महाराज की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बजरंग बली महाराज की जय।